हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग व्लॉग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इतनी सारी वेजिटेबल्स का उपयोग करके बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी। तो कई सारे वेजिटेबल्स को मैंने आज चॉप करके पहले ही रख लिया है और थोड़ा सा लहसुन को छीलना बाकी था तो वो भी मैंने छील के रख लिया है। और 1.5 कटोरी जितने मैंने बासमती चावल लिए हैं और उसको मैं 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो के 10 से 15 मिनट तक मैं ऐसे ही रख दूंगी। तो चावल है वो थोड़े से नरम हो जाएंगे तो पक भी जल्दी जाएंगे और खिले खिले बनेंगे। और उसी में आज पनीर का इस्तेमाल करने वाली हूँ तो साथ में मैं पनीर को भी कट कर लूँगी। तो पनीर के एकदम मीडियम मीडियम साइज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर कर मैं इसको सेलो फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने पनीर लिया था वो सारा मैंने एकदम मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कट कर लिया है। बस इसी से हम आगे की रेसिपी बनाएंगे। तो आप देखिए कि ये रेसिपी कैसी बनती है और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि आप कौन सी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का पैन लिया है और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच जितना घी ऐड कर रही हूँ। ये जो ग्रीन वेज पुलाव है वो देसी घी में बनाया हुआ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो घी को थोड़ा गर्म होने देना है। अब उसमें जाएगा प्याज, तो प्याज थोड़ा गुलाबी होने तक पकाना है। बाद में उसमें 8 से 10 कली लहसुन और 1 से 1.5 इंच जितना अदरक का टुकड़ा डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके 10 से 15 पालक के पत्ते और थोड़े से पुदीना के पत्ते और 2 से 3 हरी तीखी मिर्च डालकर अच्छी तरह से पका लेंगे। हम इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डालने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे तीखी मिर्च डाली है और 2-3 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। पालक एकदम जल्दी पक जाती है तो 2-3 मिनट इनफ है पकाने के लिए। फिर ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। जैसे चटनी बनाते हैं वैसे ही पेस्ट बनानी है। तो इन सारी चीज़ों को मैं एकदम अच्छी तरह से पीस के फाइन प्यूरी बना लूँगी। साथ ही यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है और गैस की मीडियम आंच पर इसको गर्म होने के लिए रखा है और उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच जितना घी डाला है और 1 से 2 चम्मच जितना ऑयल डाला है। इन दोनों को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। उसके बाद जो हमने पनीर को चॉप करके रखा था उसको ऐड करके सेलो फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करना एकदम ऑप्शनल है। यहाँ पर मैं ग्रीन वेज पुलाव बना रही हूँ तो मैंने सोचा थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधे टुकड़ों में कटे हुए काजू और बादाम लिया है और साथ ही थोड़ी सी किशमिश ऐड की है। तो इसी तरह से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ इसमें जाएंगे सारे खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 तेजपत्ता, 1 चक्रफूल, 2 तज के टुकड़े, 2 हरी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची, ये सारे मसाले एक साथ डाले है। और उसके बाद सारे जो वेजिटेबल्स हमने चॉप करके रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो जो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल का इस्तेमाल किया है उसमें मैंने फूलगोभी, गाजर, बीन्स और कॉर्न, ये सारे वेजिटेबल्स लिए हैं। और ये सारे वेजिटेबल्स का माप शायद 2 कटोरी जितना है। तो ये सारे वेजिटेबल्स को मैंने ऐड कर लिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर और 2 से 3 चम्मच जितना मैंने यहाँ पर पुलाव मसाला लिया है। तो इसी तरह से सारे मसाले ऐड करने के बाद जो हमने पालक की पेस्ट बनाई थी वो सारी पेस्ट को इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने पालक की सारी पेस्ट ऐड कर दी है और जो मिक्सी जार में बचा था उसमें भी मैंने पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें ऐड कर लिया है। जो हमने यहाँ पर बासमती चावल लिए है उसका मेजरमेंट 1.5 कटोरी जितना है। तो पानी भी मैंने उसी हिसाब से ऐड किया है। तो 1.5 कटोरी के सामने यहाँ पर पानी भी मैं 1 गिलास जितना ही ऐड करूँगी। तो जो इस मेजरमेंट से आप पुलाव बनाएंगे तो पुलाव एकदम खिला खिला बनेगा और परफेक्ट बनेगा। तो 2 विसल में हमारा पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब तक पुलाव बनकर तैयार होता है तब तक मैं साथ में मसाला पापड़ बनाने वाली हूँ तो उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो मसाला पापड़ में प्याज का इस्तेमाल करने वाली हूँ उसको भी मैं एकदम बारीक चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में एकदम प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही इसमें बारीक चॉप करके टमाटर भी इस्तेमाल करने वाली हूँ तो टमाटर भी मैं अच्छी तरह से एकदम बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जितना प्याज और टमाटर चॉप किया है। साथ ही में मैंने
थोड़ी सी धनिया ऐड की है और साथ ही लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मसाला पापड़ के लिए सलाद बनाना था वो भी मैंने बना लिया है। तब तक कुकर में भी दो विसल हो गई है तो उसको मैं दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र करके पापड़ सेक लूँगी। जब तक सारे पापड़ सेक कर मैंने तैयार कर लिए हैं तब तक कुकर भी ठंडा हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि पुलाव हमारा किस तरह से बना है। तो इस मेजरमेंट से आप जब भी पुलाव बनाओगे तो इस तरह से एकदम खिला खिला पुलाव बनेगा। और कभी भी आपने कुकर में पुलाव नहीं बनाया है तो इस तरह से एक बार ज़रूर से बनाकर ट्राई करना और इस मेजरमेंट को ज़रूर से फॉलो करना। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर ग्रीन वेज पुलाव बनाकर तैयार कर लिया है। साथ ही मैं मसाला पापड़ की भी तैयारी कर लूँगी। तो जो हमने सलाद बनाया है उसी से ही मैंने मसाला पापड़ बनाया है और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। तो आपको ये मेरी ग्रीन वेज पुलाव की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताना। और आप कौन सी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना।